दोस्तों, वेस्ट बंगाल कोलकाता से ताल्लुक रखने वाली अनन्या चक्रवर्ती आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी सुरीली आवाजों से पूरी इंडिया को अपनी दीवाना बना ली है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के कारण एक गरीब परिवार से जी टीवी सरेगमा पाकी इस मंच तक पहुंची है। दोस्तों, इस वीडियो में सबकी फेवरेट सिंगर अनन्या चक्रवर्ती की लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इनकी लाइफ से जुड़ी दुख भरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप भी अनन्या चक्रवर्ती की फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, पहले बात करेंगे इनकी बायोग्राफी के बारे में। इनके रियल नेम अनन्या चक्रवर्ती और इनकी निकनेम अनन्या, और वो प्रोफेशन से एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक म्यूजिक कंपोजर है। और इसके अलावा उनको मैजिक दिखाना, ड्राइंग करना और योगा करना, ये सब कुछ आती है। दोस्तों, इनकी जन्म 25 अगस्त साल 1996 को कोलकाता वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना जिला की संतोषपुर गांव में हुई थी, और 2022 के अनुसार अब इनकी उम्र हो चुकी है 25 साल। दोस्तों, आप बात करेंगे अनन्या की करियर के बारे में। दोस्तों, इन्होंने बचपन से ही सिंगिंग को अपना पैशन बना ली थी। अनन्या जब 3 साल की थी तब से ही उनको सिंगिंग करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, ड्राइंग करना, ये सब कुछ आती थी। लेकिन उनके मन में एक ख्वाब थी कि वो बड़ी होके एक पॉपुलर सिंगर बन सके, और इसी ख्वाब को सर्च करने के लिए उन्होंने संतोषपुर स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद बोलपुर से वोकल म्यूजिक में ग्रेजुएशन कम्प्लीट की, और वहाँ पर ठहर के 3 साल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही थी कि अपनी करियर बनाने के लिए एक फैमिली प्रॉब्लम के कारण एक बार उन्होंने घर भी छोड़ दी थी, और वोकल म्यूजिक में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने घर लौट आई। अनन्या ने लाइफ में पहली बार जी बंगला की बंगाली सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा में हिस्सा ली थी, जहां पर कलंकिनी राधा नाम के गाना गा के वो फेमस हो गई थी, और इसके बाद वो चाहती थी कि पूरी इंडिया उसको पहचाने, और इसीलिए 17 अगस्त साल 2021 को उन्होंने मुंबई शिफ्ट हो गई जी टीवी की हिंदी सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा में ऑडिशन देने के लिए। पहली 2 ऑडिशन में ही अनन्या अपनी मैजिकल आवाजों से जुड़ी मेंबर्स और तीनों जज की दिल जीत ली, और यहां से शुरू हुई अनन्या की करियर की असली सफर। उनकी ख्वाब है कि वो सारेगामा पा की विनर बने, और इसीलिए वो लगातार मेहनत कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनन्या चक्रवर्ती सारेगामा पा की विनर बन सकेंगे या नहीं? अगर आपको भी लगता है कि अनन्या सारेगामा पा की विनर बन सकेंगे तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बता दें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अनन्या चक्रवर्ती की फैमिली के बारे में। दोस्तों, अनन्या चक्रवर्ती की फैमिली के बारे में कोई भी डेटा इंटरनेट पे अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब स्क्रीन पे उनकी माताजी की फोटो देख सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे अनन्या चक्रवर्ती की फिजिकल स्टेटस के बारे में। अनन्या की हाइट है अप्रोक्स 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 4 इंच, और उनकी वेट है 50 किलोग्राम। बात करें बॉडी मेजरमेंट्स की तो वो है 34, 25 और 33। दोस्तों, अनन्या चक्रवर्ती की आई कलर है ब्लैक और हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, अब बात करेंगे अनन्या चक्रवर्ती की मैरिटल स्टेटस के बारे में। दोस्तों, अनन्या चक्रवर्ती की मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड, और वो अभी भी सिंगल है, और उन्होंने अभी तक किसी को भी डेट नहीं की है। दोस्तों, अब बात करेंगे इनकी इनकम एंड नेट वर्थ के बारे में। दोस्तों, फिलहाल अनन्या का तो किसी इनकम की सोर्स नहीं है, लेकिन उनकी यूट्यूब पे एक चैनल है जहाँ से उनको कुछ कमाई मिलती है। और बात करें नेट वर्थ की तो लगभग उनकी नेट वर्थ है 20 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी आपकी फेवरेट सिंगर अनन्या चक्रवर्ती की लाइफस्टाइल वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।